क्या आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना है? और अगर सुना है तो ये भी सुना होगा कि जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय तक निवेश किया उन्होंने दुगना तिगुना रिटर्न तक कमाया है। हाय, मैं हूँ प्रियंका संभव। मनी नाइन में हम लेकर आए हैं आपके लिए मनी मास्टर क्लास, ताकि आप भी तगड़ा रिटर्न कमाने के गुर सीख सकें। और आज हम बात करने वाले म्यूचुअल फंड्स में, जिसे मुझे समझाने वाले इस मास्टर क्लास में एसआरई वेल्थ के कोफाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह। हाय कीर्तन, वेलकम टू मनी नाइन। म्यूचुअल फंड्स जो पहली बार निवेश करने की शुरुआत करने वाले हैं, उन्हें आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं क्या है म्यूचुअल फंड्स? प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो प्रियंका देखिए, इंडिया में चार ही ऐसे एसेट क्लासेस है जहां पर लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। एक तो है डेट, एफडी जैसा कोई इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, शेयर बाजार, रियल एस्टेट या गोल्ड। अगर आप देखेंगे इन चारों एसेट्स में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप डेट की बात करें तो इन्वेस्टर कम्युनिटी जनरली क्या करती है, एक एफडी या एक कॉर्पोरेट डिपॉजिट में, दो तीन ऐसे कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में पूरा पैसा लगा देती है, जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ले लेते हैं। तो अगर DHFL जैसा या येस बैंक जैसा कुछ भी हुआ तो उनकी काफ़ी मोटी सी रकम टूट जाती है। इक्विटीज़ में हम में से हर किसी को कब इक्विटी खरीदनी चाहिए, कब बेचनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, इसका अंदाज़ा ज़्यादा नहीं है। रियल एस्टेट में भी अगर आप देखेंगे, टिकट साइज़, मिनिमम टिकट साइज़ इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ी है और उसमें इलिक्विडिटी का भी बहुत प्रॉब्लम है। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मेरे हिसाब से ज़्यादा मिसप्राइज्ड होता है, उसकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और उसे लेते बेचते समय आपको GST भी लग जाता है। तो अगर ये चार एसेट्स में लोग इंडिया में निवेश करते हैं और इन चार एसेट्स में जनरल तरीके से ये चार प्रॉब्लम्स है, तो म्यूचुअल फंड मेरे नज़रिए में ये चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो म्यूचुअल फंड्स में जनरली आप पैसा अपना एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को देते हैं, जिसका काम ही ये है कि वो पूरा दिन रिसर्च करते रहते हैं इन सब एसेट्स पे। तो सबसे पहले तो अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाहे और आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएंगे तो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होगा जो आपके बिहाफ पर डिसाइड करेगा कि कौन सी इक्विटी कब खरीदे, कब बेचे। डेट में भी अगर आप निवेश करेंगे तो एक म्यूचुअल फंड में तकरीबन 100 से 150 बॉन्ड्स में पैसा लगाया जाता है, तो उससे आपको डाइवर्सिफिकेशन और टैक्स एडवांटेज भी मिलता है प्रियंका। गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड में जो मार्केट का भाव चल रहा है उसी भाव पे आप खरीद बेच सकते हो और GST भी नहीं लगता। और रियल एस्टेट में फुल लिक्विडिटी है और आप दो दिन में पैसा अपना वापस ले सकते हो बेचकर, और मिनिमम टिकट साइज इन्वेस्ट करने का सिर्फ 50,000 रुपये। तो अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहूँ म्यूचुअल फंड्स किन के लिए है, तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड हर उस इन्वेस्टर के लिए है जो प्रोफेशनली मार्केट को नहीं समझ पाते, जो समझ भी पाते हैं पर उनके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का, या हर उस इन्वेस्टर के लिए है जिसे टैक्स एडवांटेज के लिए भी निवेश करना है। ठीक है, टैक्स एडवांटेज ये कैसे देता है म्यूचुअल फंड? प्रियंका, अगर आप, मैं सिर्फ डेट की बात करूं फिलहाल, तो अगर आप एक SBI की फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा लगाएंगे तो SBI की फिक्स डिपॉजिट आज आपको 5% रिटर्न दे रही है, और अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में है तो टैक्स भरने के बाद आपके हाथ में 3.5% आता है। अब मान लीजिए कि आप FD ना कर एक डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में उसकी बात में करेंगे, और मान लीजिए अगर वो डेट म्यूचुअल फंड आपको 6% रिटर्न भी देता है और आप 3 साल से ज्यादा निवेश करते हो, तो टैक्स रूल ये कहता है कि डेट म्यूचुअल फंड में आपको इंडेक्सेशन एडवांटेज मिलता है। मतलब अगर आपके फंड ने 6% रिटर्न कमाया है 3 सालों में, और उन्हीं 3 सालों में महंगाई, इन्फ्लेशन 5% से बढ़ी है, तो टैक्स रूल ये कहता है कि आपने कमाया 6, 5% से महंगाई बढ़ी, तो आपको टैक्स सिर्फ 1% पे देना है, वो भी 20%। आप 30% के भी टैक्स ब्रैकेट में हो तो आप टैक्स दोगे 20% 1% के कैपिटल गेन्स पे। इसका मतलब आप 6% कमाइए पर आपको टैक्स देना है सिर्फ 0.2%, जिसकी वजह से आपका पोस्ट टैक्स 5.8% रिटर्न है। मुझे ये बताइए, आप जिस तरह से साउंड कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड रिटर्न के मामले में अच्छा है, टैक्स के मामले में इन्फ्लेशन को बीट करने में भी आपको हेल्प मिलती है, लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ एक बात कीर्तन हमेशा कही जाती है कि ये बड़े रिस्की होते हैं। तो प्रियंका देखिए, म्यूचुअल फंड्स में आप कौन सी स्कीम में या कौन सी कैटेगरी में निवेश करते हैं
उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे। कहना ये चाहता हूं कि मान लीजिए इक्विटी में सिर्फ 11 कैटेगरीज है, डेट में 16 कैटेगरीज है, और ऐसे 44 म्यूचुअल फंड हाउसेज है। सब मिलाकर तकरीबन 2500 स्कीम्स है जिसमें आप निवेश कर सकते हो, राइट। अब सब 2500 स्कीम्स में रिस्क अलग अलग है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप किस में निवेश करना चाहते हो, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, इक्विटी में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो लार्ज कैप स्कीम्स भी है, मिड कैप भी है और स्मॉल कैप्स भी है। तो अगर आप स्मॉल कैप में पैसा लगाओगे तो उसमें रिस्क ज्यादा है वर्सेस लार्ज कैप में पैसा लगाने का। सिमिलरली अगर आप डेट में निवेश करने की कोशिश करो तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स है जिसमें बिल्कुल रिस्क नहीं है और सेविंग्स अकाउंट की तरह पैसे रख सकते हो, जैसे है ओवरनाइट फंड्स। और ऐसे भी प्रोडक्ट्स है जिनमें रिस्क है डेट में ही, जिसे आप गिल्ट्स और या क्रेडिट रिस्क फंड्स कहते हैं। तो इसका कोई समान आंसर नहीं है प्रियंका, वेदर रिस्क है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में पैसा निवेश कर रहे हो। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, और आपने कहा कि वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं, तो मैं रिस्क को कम करने के लिए कैसे सिलेक्ट करूं और काम कैसे करते हैं, क्या व्हाट गोज बिहाइंड अ म्यूचुअल फंड? सो प्रियंका, म्यूचुअल फंड जैसे मैंने आपको कहा एक प्रोफेशनल मनी मैनेजर है। आप इन म्यूचुअल फंड्स को पैसा दे दीजिए। ये म्यूचुअल फंड्स कुछ रिसर्च एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स को हायर करते हैं जिनका काम ही उन एसेट क्लासेस में रिसर्च करना होता है, जिसकी वजह से मेरा ये मानना है कि उनका अंदाजा, उनका नजरिया उस एसेट क्लास पे जहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं, वो आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और प्रोफेशनल होता है। तो वो फंड मैनेजर्स उन फंड्स में निवेश करने की कोशिश करेंगे जो आपने चूज किया है। तो या तो आप इक्विटी में कीजिए, या गोल्ड में कीजिए, या डेट में कीजिए। तो जिसमें भी आपने निवेश किया है उस एसेट में फंड मैनेजर पैसा लगाएंगे और रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही फंड मैनेजर्स रिटर्न जनरेट करेंगे, वो थोड़ी सी फी ले लेंगे आपसे, क्योंकि उन्हें भी अपना बिजनेस चलाना है। उस फी को आप TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो जो भी रिटर्न आया उसमें से थोड़ी सी फी काट कर वो बाकी का बचा हुआ पैसा रिटर्न इन्वेस्टर का है पूरा। और ये पूरे सिचुएशन को सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है या नहीं, इसकी देखभाल सेबी एज अ रेगुलेटर करता है। जब हम सिलेक्ट करें कि हमें इक्विटी में जाना है या डेट में जाना है या गोल्ड म्यूचुअल फंड में जाना है, आपने कहा ये डिपेंड करेगा कि आप रिस्क जो है वो टाइप ऑफ फंड पर डिपेंड करता है, तो क्या रिस्क कम करने के लिए कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे, आप कैसे सिलेक्ट करें अपने लिए म्यूचुअल फंड? टिप्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर मैं आपको एक जनरली एक आइडिया देना चाहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें उसके पहले आपको ध्यान क्या रखना चाहिए। तो अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो डू नॉट गेट कैरिड अवे कि पिछले एक साल, दो साल, तीन साल का रिटर्न अच्छा है तो मैं इसी फंड में निवेश करूंगा। ये जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ गलती कर जाते हैं। तो देखिए, आज मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, आप किसी भी फंड को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे उसमें आप देखेंगे कि रिटर्न बड़ा अच्छा दिखेगा, तो आप पिछले दो साल, तीन साल का रिटर्न देख के तो डेफिनेटली इन्वेस्ट मत कीजिए। सबसे पहली राय मेरी ये है, अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जो आपको सलाह दे पाए कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इंडेक्स फंड्स में निवेश कीजिए। और कभी भी निवेश करें म्यूचुअल फंड्स में तो थोड़ा सा लंबा नजरिया रखे, 3 साल से कम के लिए निवेश ना करें। और जैसे वॉरेन बफे कहते हैं, आप पूरा पैसा किसी भी एक एसेट क्लास में मत डालिए। तो अगर आप जितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप उतना ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी को ले सकते हैं, और जितना कम रिस्क ले सकते हैं उतना कम एक्सपोजर इक्विटी को लीजिए, पर अपना पैसा इक्विटी, गोल्ड, डेट, रियल एस्टेट, उन सब में डाइवर्सिफाई कर रखे और एक एसेट एलोकेशन मेंटेन कर रखे। पूरा पैसा एक किसी भी एक एसेट क्लास में ना निवेश करे, ये मेरी सलाह होगी कोई भी जो अगर म्यूचुअल फंड्स में पहली दूसरी बार इन्वेस्ट कर। तो म्यूचुअल फंड पर हो रही थी हमारी बात कीर्तन शाह के साथ। उम्मीद करते हैं आपको म्यूचुअल फंड समझने में मदद मिलेगी हमारी मनी मास्टर क्लास के साथ। देखते रहिए मनी 9। दीजिए इजाजत, नमस्कार।